फ्रेंड्स मैं तेज़ और आप देख रहे हो तेज़ फार्मा का एंड टैक्स हाउस। फ्रेंड्स ये सैमसंग A20 जिसमें कि आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये मैं ऑन कर दिया हूँ, यहाँ से हम लोग को जाना होगा सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद ये लॉक स्क्रीन है, इस पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉक स्क्रीन टाइप जो है स्वाइप में दिख रहा है, उसके नीचे एकदम टॉप पे आइए, वहाँ पर आपको फेस और फिंगरप्रिंट दोनों दिखेगा। तो हमें फिंगरप्रिंट लगाना है, पहले हम फिंगरप्रिंट पे टाइप करेंगे। तो फिंगरप्रिंट लगाने के बाद देखिए यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पूछेगा पैटर्न, पिन एंड पासवर्ड, आपको जो लगाना हो। मैं पैटर्न लगा देता हूँ, यहाँ देखिए मैं पैटर्न पे सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको पिन और पैटर्न पासवर्ड में कुछ भी लगाना हो लगा सकते हो। तो मैं ये पैटर्न यहाँ पर है, आप कुछ भी बना सकते हो इसको लगाने के लिए। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर ओ लिख देता हूँ, या 0 लिख देता हूँ, या R लिख देता हूँ, A लिख देता हूँ, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर D लगा देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं डी लगा देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अपना जो फिंगरप्रिंट है पीछे लगाना है, उसको यहाँ पर आपको टच करना है। तो देखिए जिसका फिंगरप्रिंट है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये मेरे कस्टमर है और इन्होंने ख़रीदा है, बाय किया है। तो मैं फिंगरप्रिंट लगा के आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिंगरप्रिंट इस तरह से लगा सकते हो। यहाँ पर आपको बार बार टैप करना होगा फिंगरप्रिंट का, बार बार, इसे यहाँ तक जब तक 100% नहीं होगा आपको यहाँ पर बार बार टैप करते रहना है। तो देखिए ये 72% हो गया है, क्योंकि ये बार बार रिकॉग्नाइज करता है। देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट हमका लग गया है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कंफर्म करने के लिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है ट्राई इट आउट, मतलब कि एक बार आप उसको कन्फर्म करिए। तो मैं इनका यहाँ ट्राई इट आउट करवा देता हूँ, और जब मैं अपना लगाऊंगा तो नो मैच करेगा, तो जिसका लगाया है मैंने वही लगा देता हूँ। यहाँ देखिए ट्राई इट आउट कन्फर्म हो गया। तो देखिए इस तरह से आपका कंफर्म हो गया है, बैकअप योर पैटर्न दे रहा है, तो आपका बैकअप पैटर्न हो गया, मतलब कि पैटर्न से आप खोल सकते हो बैकअप के लिए। अब इसमें आप चाहे जितना भी जोड़ सकते हो, इसे मैंने उनका जोड़ दिया है। अब मैं अपना जोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए मेरी फिंगरप्रिंट है, मैं इसको जोड़ के दिखा रहा हूँ। ये 100% करने के बाद ऐड कर, यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट 1 2 3 4 लोग का, चाहे जितने लोगों का फिंगर जो है वो लगा सकते हैं। ये देखिए बैकअप पिन के नाम पर मैंने लगाया है, ये देखिए। फिर से मैं जाता हूँ, फिर मैं ये खोलता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ऐड फिंगर में जाता हूँ, और इसके बाद मैं इसको फिर से मैच कराता हूँ। आप देख लीजिए, अगर आपको फिंगरप्रिंट लगाने नहीं आता है और रिमूव करने नहीं आता है, तो मेरे इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो, बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो को आप देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको बार बार पीछे टैप करना होगा, जिससे कि आपका फिंगर जो है लॉक लग जाए। इसी तरह आपको फेस लॉक में भी आपको लगाना होगा, तो फेस लॉक मैं बाद में बताऊँगा, पहले फिंगरप्रिंट है ये। तो फिंगरप्रिंट के लिए आपको हो गया है, ट्राई इट आउट करता हूँ, यहाँ कंफर्म करता हूँ या नो मैच, फिर से करता हूँ, ये ट्राई इट आउट कंफर्म हो गया। तो देखिए इस तरह से आपका लॉक लग गया है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये लॉक आपका कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए बैक आना है, पावर बंद करना है। अब ये देखिए आपका ऑन करते हैं, तो ऑन करने पर फिर आपका स्क्रीन आएगा, तो फिंगरप्रिंट लॉक से नहीं खुलेगा। जब ये ऑफ रहेगा उसके बाद फिंगरप्रिंट टच करेंगे आप, ये देखिए जहाँ टच करेंगे ये आपका सेट ऑन हो गया। देखिए जैसे ही आपने इसको टच किया है, ये देखिए सेट आपका ऑन हो जा रहा है। तो आपका फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों।